वर्तमान समय में टमाटर के भाव को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज हम आपको नागौर के भावों से रूबरू करवाने जा रहे हैं कि नागौर में टमाटर को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। यूं कहें कि आज से 2.5 महीने पहले फल मंडी तथा सब्जी मंडी में 400 कैरेट टमाटर के आते थे, वर्तमान समय में मात्र 50 कैरेट टमाटर के आ रहे हैं। तो यूं कहें तो 80% तक टमाटर की खपत नागौर में कम हुई है। टमाटर के भाव बढ़ने का एक मुख्य कारण सामने आ रहा है कि लगातार इस बार बारिश ज्यादा हुई है, जिसके कारण टमाटर की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। प्रभावित होने के कारण टमाटर मार्केट में मांग के अनुसार नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लगातार भाव बढ़ रहे हैं। अब लोग टमाटर की जगह ज्यादा नींबू का उपयोग लेने लगे हैं। वहीं एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि टमाटर के लगातार भाव बढ़ने के कारण नागौर के सब्जी ठेलों तथा दुकानों से टमाटर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। केवल चुनिंदा ही दुकानों पर टमाटर मिल रहे हैं, वहीं इसके भाव अभी भी लगातार बढ़ने की संभावना है। व्यापारियों के अनुसार 15 अगस्त तक टमाटर के भाव बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही टमाटर के भाव कम होंगे। ये बताया जा रहा है कि यदि नासिक, मेहरता रोड, आबू इत्यादि जगहों से टमाटर आने लग गए तो भाव कम होंगे। सारी जगहों की नासिक की और यहाँ आसपास में टमाटर थे, चोमो मो सारी फसलें खराब हो गई, इसलिए टमाटर महंगे हो गए। यहाँ आवक कम हो रही है मंडी में। तो कैसे से यहाँ जयपुर साइड से आते थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी नासिक से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं टमाटर, इसीलिए बाहर से पूरी क्वान्टिटी नहीं आ रही, बेंगलोर से पूरी क्वान्टिटी नहीं आ रही पूरी, इसीलिए कम हो गए। पहले हमारे 4-5 गाड़ियाँ लगती थी, अब ओनली फॉर एक गाड़ी नहीं, पूरी आधी गाड़ी आ रही है टमाटर की, तो इसीलिए 50 लाख 60 लाख आ रहे हैं। पहले पूरा 55-56 गाड़ियाँ आती थी सब। नागौर मंडी में थोक भाव क्या चल रहे हैं? थोक भाव अभी 160-150 है, बाकी कल तक कल के भाव 170 थे और अभी 160 दिखे आज टूटा। आपका नाम?